गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग जो हैं बीपीएससी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए इम्पॉर्टेंट यहां पे, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे जो जनरल मैथमेटिक्स से ये क्वेश्चन आपका आता है, साथ में ये जो आपका मेंसुरेशन है एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 100% यहाँ पे कम से कम एक क्वेश्चन तो यहाँ पे आएगा, और इस टॉपिक से आपको 100% एक क्वेश्चन जो है सो आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि और भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे आपको मिले। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप मान के चलिए कि ये बीपीएससी जो टीयर यहाँ पे 3.0 ये इसके लिए 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए यहाँ पे है, 9 to 10 के लिए, 11 to 12 के लिए, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट आपका है। यहाँ पे एकदम 100% चांसेस है कि ये आपका क्वेश्चन, ये इसको आप VVI में वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ये आप यहाँ इसको रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले बार भी आप देख लीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पे, तो इस बार भी चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपका आने की संभावना यहाँ पे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करें, दिया हुआ 1280 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, उपयुक्त में से एक से अधिक है और उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। तो ये इसका मतलब कि क्या आंसर होगा यहाँ पे, ये हम लोग देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करके देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, नीचे वाला हमारा स्क्वायर दिया, इसका मतलब स्क्वायर करने मतलब क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि 16 सेंटीमीटर का, देखिए इसको ऐसा बनाइए ताकि ये स्क्वायर की तरह लगे, ये नीचे वाला बेस लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हमारा सपोज कर लेते हैं कि अभी जो हम लोग लिए हुए हैं ये इसका बेस है, इसका ऑल साइड्स आर इक्वल यहाँ पे है, ये सभी साइड्स का इक्वल है, ठीक है। और यहाँ से लेते हैं हम लोग इस जगह से, ये वाला आपका यहाँ पे जो है, देखिए ये जो यहाँ पे एक तरह से हमारा क्या हो गया कि ये पिरामिड हो गया, और इस पिरामिड में इसका जो यहाँ पे दिया हुआ 16 सेंटीमीटर इसका बेस दिया हुआ, ठीक है, कि भुजा दिया हुआ, यानी ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16, और इसका जो हाइट है, कहने मतलब इसका जो हाइट यहाँ पे होगा, ये हाइट आपको कितना दिया हुआ, ये हाइट आपका है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए ये अलग अलग हो सकता है, हो सकता है कि यहाँ आपका अलग चीज़ दे दिए जा करके, तो यहाँ पे जनरली यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे इसका फॉर्मूला जो यहाँ पे निकालेंगे, यानी कि जो पिरामिड का, यानी पिरामिड का जो हमारे यहाँ पे क्या होगा कि पिरामिड का जो आयतन होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा आपका 1/3 होता है इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि यहाँ का बेस एरिया ऑफ बेस होगा, यानी आधार का क्षेत्रफल और गुने क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऊंचाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो एक क्वेश्चन समझिए कि एक क्वेश्चन आपका 100% ये आपका यहाँ पे आ जाएगा उसमें। देखिए 1/3 करेंगे, आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा कैसा दिया हुआ है, तो ये आधार जो है ये हमारा किस पर है, तो ये वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये भुजा का स्क्वायर होता है, यानी भुजा गुणे भुजा लिख सकते हैं, यानी 16 × 16, भुजा यहाँ पे क्या 16 × 16 सेंटीमीटर, तो 16 × 16 करेंगे, और हमारा ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई हमारे यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, तो ये 3 5 जो यहाँ पे 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के 16 16 जो होता है 256 हो जाता है यहाँ पे, इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 6 5 जो यहाँ पे कितना हो गया, 6 5 30 हो गया, क्या 0 लिखा, कैरी 3 हो गया, 25 5 या 125 को 3 से ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 125 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 128 हो जाएगा, यानी ये इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, यानी 1280 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या होगा कि ये इसका आंसर होगा। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे हो सकता है कि डेटा अलग अलग दिया हुआ हो, यहाँ पे अलग अलग डेटा दे करके ये क्वेश्चन आपका चांसेस है कि ये आपका यहाँ पे आ जाए, तो ऑल दी बेस्ट, ये क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए, थैंक यू।